हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक शेयर बताने वाला हूँ जिसपे 1:5 का आपको स्प्लिट मिलने वाला है। यानी एक शेयर के बदले आपको उस कंपनी के 5 शेयर मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जरूर समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में कुछ और अच्छी चीज़ें बताएंगे, उस स्टॉक के बारे में टेक्निकल्स लेवल बताएंगे और जो न्यूज़ है वो भी हम इस स्टॉक की कवर करने वाले हैं। स्टॉक का जो स्प्लिट होना है वो क्या होता है, पहले आप ये समझिए। पहली बात, अगर जैसे कि कोई भी स्टॉक है, कोई सा भी स्टॉक है, एक्सिस स्टॉक, उसका फेस वैल्यू 10 का है, अगर वो स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसका फेस वैल्यू घटता है। यानी कि ये घटेगा 10 रुपये से, यहाँ पे अगर स्प्लिट दिया जाता है तो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये की फेस वैल्यू होती है। अब यहाँ इस फेस स्प्लिट से सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर शेयर ज़्यादा होते हैं। यानी अगर मेरे पास 10 शेयर है और अगर स्प्लिट मेरे को मिलता है 5 शेयर का, अब मेरे को स्प्लिट एडजस्ट होने के बाद मेरे पास 50 शेयर होंगे, मेरा ना ही प्राइस बढ़ता है ना ही मार्केट कैप बढ़ता है कंपनी का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, स्प्लिट होने से आपको शेयर वाइज कोई बेनिफिट नहीं मिलता, आपका सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाता है उस शेयर के अंदर। पहले आपके पास 2 स्लाइसिस थे, अब आपके पास 7-10 स्लाइसिस होंगे, बस इतना होता है स्प्लिट होने के बाद। और यह चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टॉक कौन सा है आपको बताना चाहूँगा। स्टॉक हालांकि मैंने और हमारे इस चैनल में बहुत पहले से बात की है, 7 महीने पहले से हमने कवर करना चालू किया था इस स्टॉक को। और अगर आप मैं सही हूँ तो यहाँ पे हमने इस स्टॉक को दिया था आपको 1116 के आसपास, और यहाँ पे कुछ लेवल्स भी नीचे के दिए थे जहाँ पे ये स्टॉक आया था। यहाँ तक आया था, ये 102 रुपये तक आया था स्टॉक, और हमने उस पर आपको लेवल्स भी दिए थे कि 102 रुपये जो स्टॉक होगा यहाँ तक आपको आता हुआ मिलेगा। लेकिन वहाँ तक आया था और वहाँ से वापस से रिकवरी की थी और अच्छा रिटर्न बनाया था। अभी हाल फिलहाल में बताऊँ तो इसका ऑल टाइम हाई हमने जब से दिया है तो 170% है रिटर्न, और अभी जिस लेवल पे है वहाँ पे अभी भी 120% के रिटर्न्स बनाए हैं इन्वेस्टर ने इसके अंदर। अब यहाँ पे हमने स्टॉक पे बहुत सारी वीडियो बनाई है, लगातार हमने इस स्टॉक पे बनाया, और सबसे फेमस इन्वेस्टर जो है डॉली खन्ना, ये भी इसके अंदर इन्वेस्टेड है, जिसकी वजह से हम इस स्टॉक पे वीडियो बनाए हैं और आपको बताया है हर बार। यहाँ से अभी एक न्यूज़ आई है कंपनी के अंदर कि डॉली खन्ना जिस कंपनी में इन्वेस्टेड है उनमें स्प्लिट अनाउंसमेंट हुआ है। स्प्लिट अनाउंसमेंट के बाद 5% का ऊपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ देखिएगा, स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट का रेशियो आपको जल्दी से दिखा देते हैं। 1:5 का जो है स्प्लिट हमारे अजंता सोया में अनाउंस किया गया है, सब डिवीजन करने वाले हैं, यानी स्प्लिट होने वाला है। यहाँ से आप देखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो कंपनी मीटिंग हेल्ड की थी 20 अप्रैल को, वहाँ पे ये चीज़ बताया गया है सब डिवीज़न और स्प्लिट के बारे में, जिसका 10 रुपये फेस वैल्यू है उसका कितना फेस वैल्यू होने वाला है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ से बात करते हैं तो स्टॉक ने हालांकि 80 रुपये से 259 और 300 के ऊपर लेवल्स के यहाँ पे टारगेट अचीव किए थे, और ये करीबन इस पीरियड का 220% का रिटर्न होता है। यहाँ से अब आगे की बात करते हैं, कुछ टेक्निकल लेवल जरूर आपको बताना चाहूँगा, और ये चीज़ जरूर बताऊँगा कि इसके अगले जो रिजल्ट्स हैं वो उस पर ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसी मार्केट में जिनके रिजल्ट बेकार आ रहे हैं वो कंपनियाँ 50-50% तक करेक्ट हो रही है, चाहे वो मल्टी बैगर हो या ना हो, और चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको वॉल्यूम दिखाना चाहूँगा, कंपनी के अंदर डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ने वाला है। पहले कंपनी के अंदर 50,000, 80,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 का वॉल्यूम हुआ करता था, अभी स्प्लिट के बाद इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, शेयर मार्केट में ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पे आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो भी चीज़ें होती है ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। अभी भी कंपनी का PE 9 का है, स्प्लिट होने के बाद भी अगर मार्केट में ज़्यादा शेयर आते भी है, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, आज भी यहाँ पे 5% का अपर सर्किट यहाँ पे कंपनी में दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे बात करें तो आपको टेक्निकल व्यूज लेके जाऊंगा, आपको टेक्निकल पे कुछ व्यूज देना चाहूंगा। हमने जो लेवल्स थे पीछे के वो छोड़ दिए, हमने पीछे के लेवल्स कोई भी नहीं बचे। हालांकि यहाँ पे अभी भी कुछ नए लेवल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे फिलहाल जो सर्किट वाइज कंपनी चल रही है, यहाँ पे कोई भी गैप फिलहाल तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे गैप ओपन होते हैं सर्किट में, कंपनियों में ऐसा ही होता है ज़्यादातर लगभग कंपनियों से। लेकिन यहाँ तक मेरे को पहले उम्मीद थी 150-160 रुपए के आसपास की यहाँ स्टॉक आएगा, लेकिन यहाँ तक नहीं आया। करेक्शन के वक्त यहाँ पे 178-180 से यहाँ से रिटर्न किया, वापस से रीटेस्ट किया 195 तक, वापस से यहाँ पे कंपनी रिबाउंड करके आगे जाती हुई नज़र आ रही है। अब मेरे लिए ऊपर के लेवल्स हो जाएंगे कुछ, वहाँ पे नज़र रखनी होगी।
बिकॉज जो स्टॉक्स थे वहाँ पे आए नहीं। अब यहाँ से जो ऊपर के लेवल है वो होगा हमारे पास 300 का, यहाँ पे आपको ध्यान देना है 300 का लेवल। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक हाई 323, पहला लेवल होगा 300 क्रॉस करता है तो 323 जाने वाला है, और 322 क्रॉस करता है तो वहाँ से बहुत बड़ी रैली हो सकती है क्योंकि ये फ्रेश ऑल टाइम जोन में पहुँच जाएगा। अब इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपनियां हैं बहुत छोटी मार्केट कैप की है, अगर यहां पे कोई करेक्शन होती है स्प्लिट के बाद या स्प्लिट से पहले या किसी भी लेवल पे या रिजल्ट के द्वारा, तो यहां पे जो मार्केट है उसको 50% वैल्यू ख़त्म कर देता है। यहां देखिएगा 307 से सीधा 170 तक पहुंच गई थी कंपनी, यानी यहां पे आपको 50% प्लस वैल्यू जो है इरेज होती हुई नज़र आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मार्केट कैप कप होने का सिर्फ और सिर्फ यही एक नुकसान होता है कि यहाँ पे जब करेक्शन होती है वो ज़्यादा डीप जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगता है कंपनी को मूव करने में, और हल्के से भी पैसे अगर आप सेलिंग करते हैं, हल्का सा पैसा भी सेलिंग करेगा तो वो एक बहुत बड़ा करेक्शन कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये चीज़ देखिएगा। और यहाँ पे आपको लेटेस्ट में आपको दिखाना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से कुछ वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक 2 दिन से अपर सर्किट में है और यहाँ पे आगे भी अपर सर्किट में जाने की उम्मीद है। फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी हमें रेंज बाउंड यहाँ पे नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ देख सकते हैं आप 5 दिन से यहाँ पे सर्किट में है कंपनी, और यहाँ पे जो इसका जो लेवल्स होंगे वो यहाँ करीबन होंगे, और ये लेवल्स आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो लेवल मिलेगा कंपनी का पहला 270 के आसपास यहाँ पे मिलने वाला है, 270 के आसपास शायद यहाँ जाके रिवर्सल यहाँ पे दिखा सकता है कंपनी। अब ये चीज़ देखनी होगी स्प्लिट, और स्प्लिट के बोनस से स्प्लिट के जो शेयर्स मिलेंगे उसके बाद ये कंपनी में क्या रिएक्शन आता है, और आगे रिजल्ट भी आने वाले हैं। रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है 1 जून को। अब यहाँ से ये देखना होगा यहाँ पे रिजल्ट कैसे आते हैं। पिछला रिजल्ट उतना अच्छा बेहतरीन नहीं कह सकते थे, क्योंकि जब अगर दिसंबर क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो पिछले दिसंबर क्वार्टर से कंपनी का 2 करोड़ का लॉस ही था, मतलब एक तरीके से कंपनी 5 करोड़ ही कमा पाई थी, और पिछले दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 7 करोड़ रुपए कमाए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर इस क्वार्टर में भी ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे करेक्शन जरूर होगी, बिकॉज पिछले क्वार्टर में भी हुआ था ऐसा, और पिछले क्वार्टर में भी करेक्शन यहाँ पे को देखने को मिली थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये शेयर आपको अपने वॉच लिस्ट में डालना होगा, और जिसके पास है जिनके पास है वो अपने इस शेयर को होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 180 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बिकॉज वहाँ पे आता है तो वहाँ से नीचे गैप अप जरूर फील करने आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे का जो आपको यहाँ पे टारगेट्स मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे टारगेट्स मिलने वाले हैं। पहले 300 के टारगेट्स, उसके बाद 325 के टारगेट्स आपको यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। तो यही थी आज की वीडियो, और यही था हमारा न्यूज़। स्टॉक में 1:5 का स्प्लिट होने वाला है, यानी एक शेयर के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ है, कंपनी में आपको जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आने वाले समय में, और ये कंपनी को जैसे इफेक्ट करेगा वो भी उसके बारे में हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो यही थी, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियोज़ को मल्टीबैगर स्टॉक्स को ज़रूर लाइक कीजिए।